गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में वुडवर्ड फिशर नियम जो हमको पढ़ा था, वुडवर्ड फिशर नियम में कौन कौन से सिस्टम के लिए क्या रूट वैल्यू थी और कौन कौन से ग्रुप्स के जुड़ने से उसके मान में कितना वृद्धि अपन को करनी है, कितना परिवर्तन अपन को करना है, उन ग्रुप्स के लिए जो वैल्यू थी वो हमने बात की। अब हम वुडवर्ड फिशर नियम की सहायता से यौगिकों के लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ेंगे। पहला, जो पिछले क्लास में हमने रूट वैल्यू जो बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए। रूट वैल्यूज के लिए हम बता रहे हैं दोबारा से कि ओपन चेन सिस्टम होता है, चाहे वो ट्रांसफर हो चाहे वो सिक्योर हो, उसके लिए रूट वैल्यू जो होती है तो वो 217 नैनोमीटर होती है। होमो एंगुलर जब होता है, एक ही बने में दो डबल बोन होते हैं तो कंजुगेशन में होते हैं, तो उसके लिए रूट वैल्यू 253 नैनोमीटर हमने बताई थी। और हेटेरो एंगुलर सिस्टम के लिए रूट वैल्यू 214 नैनोमीटर हमने बताया। उसके बाद हमने ग्रुप्स की बात की थी, तो डबल बोन कंजुगेशन में होता है, एक्स्ट्रा डबल बोन कंजुगेशन में होता है, तो उसके लिए हमने +30 जोड़ा था। ओ आर ग्रुप के लिए हमने जो जोड़ा था वो +6 जोड़ा था। सी एन बी आर रिंग रेसिड्यू एल्किल ग्रुप, इन सब के लिए हमने जो है +5 जोड़ा था। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमने +5 जोड़ा था। एस आर यानी थायोइथर ग्रुप के लिए हमने +30 जोड़ा था। और एमिनो समूह NH2 समूह के लिए हमने +7 जोड़ा था। ये हमने एक बार से आपको रिवाइज करवा दिया है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके लिए हम लैम्डा मैक्स वुडवर्ड फिशर नियम की सहायता से कैलकुलेट कर पहले जाएगा। पहले एग्जाम्पल में हम सबको हमको सबसे पहले एक जिसके लिए बेस वैल्यू दी गई है वो हमको सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिस्टम दो डबल बोन्ड को मिला के हमने ये सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। ये सिस्टम ओपन चेन कोई साइक्लिक रिंग नहीं, ओपन चेन सिस्टम के लिए रूट वैल्यू जो होती है इस ओपन चेन सिस्टम के लिए रूट वैल्यू जो होगी वो 217 नैनोमीटर कितनी होगी 217। फिर उसके बाद में इस सिस्टम से जुड़े हुए ये एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ, एक एल्किल ग्रुप कितने हैं एल्किल ग्रुप 1। एक एल्किल ग्रुप के लिए हमने बताया था +5 तो +5। और इस सिस्टम पे और कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सिस्टम का रूप बना और हमने एक एल्किल समूह का +5 जोड़ दिया। ये हो गया 242 नैनोमीटर। यानी कि इसका स्पेक्ट्रम अगर लिया जाएगा, इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम लिया जाएगा तो इसका जो पीक है वो 222 नैनोमीटर वेवलेंथ पर होगा। उस सिस्टम के लिए लैम्डा मैक्स का मान जो आएगा वो 222 नैनोमीटर। दूसरा कंपाउंड हमने दूसरा एक कंपाउंड लिखा, इसके लिए हम वुडवर्ड फिशर नियम की सहायता हम जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करें। सबसे पहले इसमें सिस्टम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिस्टम दो डबल बोन का कंजुगेशन सिस्टम हम ले लेंगे, तो इसी लीजिए दो डबल बोन का कंजुगेशन। यहां तक कोई परेशानी नहीं,
अगर बात करें कि दो डबल बोर्ड का सिस्टम जो हमने लिया है वो ये देखिए यो और यो यानी ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड। अब इम्पोर्टेंट बात ये ट्रांसफर्ड ओपन चेन है क्या? नहीं, ये ओपन चेन नहीं है, ये डबल बोर्ड इस रिंग में, एक डबल बोर्ड इस रिंग में, यानी रिंग में है, यानी सिस्टम तो साइक्लिक है लेकिन ये ट्रांसफर्ड। अब दोनों डबल बोर्ड एक ही रिंग में है क्या? दोनों डबल बोर्ड एक ही रिंग में है, एक डबल बोर्ड इस रिंग में है, एक डबल बोर्ड इस रिंग में, तो दोनों डबल बोर्ड अलग अलग रंग में है और ट्रांसफर्ड सिस्टम है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम को हेट्रो एनुलर। हेट्रो एनुलर सिस्टम को क्या कहेंगे हम? हेट्रो एनुलर। ये सिस्टम वहां हेट्रो एनुलर, और हेट्रो एनुलर के लिए रूट वैल्यू जो दी जाती है वो होती है 214 सिस्टम पे जुड़ा हुआ ये इसको बोलते हैं जो रिंग का पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। रिंग ये रिंग का पार्ट है और सिस्टम पे जुड़ा एक रिंग रेसिड्यू, ये दूसरा रिंग रेसिड्यू, ये तीसरा रिंग, तो रिंग रेसिड्यू हो गए तीन हो गए रिंग रेसिड्यू। एक रिंग रेसिड्यू के लिए होता है वैल्यू प्लस 5, तीन के लिए कितनी होगी 15 प्लस 15। कुछ और जुड़ा हुआ है? नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर हमने ये यहाँ पर ये एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो है एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, ये एल्किल समूह जो है उस एल्किल समूह का इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। सिस्टम पर एल्किल समूह जो होगा उसके लिए प्लस 5 जोड़े जाएंगे, तो सिस्टम पे जुड़ा हुआ नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं, उसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं है। और ये 214 और प्लस 15 अब देखिए और कुछ जुड़ा हुआ नहीं, कोई ग्रुप है नहीं। अब एक पॉसिबिलिटी आप लोग हमेशा भूल जाएंगे, उसको हमेशा दिमाग में याद रखना, बिठा के रखना कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी को आपको देखना। ये देखिए इस रिंग से, इस वाले रिंग से, इस रिंग से कोई डबल बॉन्ड बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, यानी ये डबल बॉन्ड इस रिंग से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये हो गया एक्टोसाइक्लिक डबल। इस रिंग से कोई डबल बोर्ड बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा, तो कोई डबल बोर्ड यानी एक्टोसाइक्लिक यही बोर्ड हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये हुआ एक्टोसाइक्लिक डबल बोर्ड, क्योंकि ये इस रिंग से बाहर निकलता हुआ तो दिख रहा, बाहर की तरफ टूटा हुआ, तो एक हो गया एक्टोसाइक्लिक डबल बोर्ड। तो 214 और 15 239 और 5 200, तो ये जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स हो जाएगा 239 नैनोमीटर पर। अगला एग्जांपल देखिए, हमें सबसे पहले सिस्टम सेलेक्ट करना, हमने सिस्टम दो डबल बोन जो कॉन्फ़िगरेशन में है उनको सेलेक्ट करना, ये हमारे पास सिस्टम। अब ये सिस्टम एक ही रंग में है, कॉन्फ़िगरेशन एक ही रंग में जो होता है उसको बोलते हैं होमो एनुलर। सिस्टम जो है वो है समवलयाकार या होमो एनुलर,
सब वलया का या होमो सिस्टम जो है वो होमो एंगुलर है, और होमो एंगुलर के लिए रूट वैल्यू जो होती है वो होती है 253। अब देखिए उसके बाद बात करें और सिस्टम के कहलवा ये लिंग, ये जो ग्रुप जो है एल्किल ग्रुप इसी भी लिंग पे जुड़ा हुआ, तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ ग्रुप कितने जुड़े हो, एक आगे तो एल्किल ग्रुप नहीं कई लगी थी, तो एल्किल ग्रुप है एक और एक एल्किल ग्रुप का हम जोड़ेंगे प्लस मान। अब ये सिस्टम इधर ये रिंग रहेगी और ये रिंग रहेगी, दो रिंग रहेगी जुड़े तो टू रिंग टू रिंग रहेगी, एक रिंग रेजिड्यू का 5 होता है, दो का हो गया प्लस दस रिंग रहेगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी सर एक डबल बॉन्ड लिख दिया तो ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वाला जो है डबल बॉन्ड की तरह काम नहीं करेगा। अगर ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंडिंग की तरह काम करता, लेकिन ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इस डबल बॉन्ड की वजह से सिंगल बोन फिर सिंगल दो सिंगल बोन, तो इसलिए कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन में नहीं होने के कारण ये इस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाएगा और इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये एक्टोसाइक्लिक भी नहीं है, यहाँ होगा जो एक्टोसाइक्लिक तो नहीं है तो ठीक है हम इनको छोड़ दीजिए, और कुछ इस सिस्टम में बचा नहीं है जो हमने कैलकुलेट करना है। ये हो गया 253 और 5258 और 200
चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये सिस्टम हुआ, और होमो एलिमेंट के लिए ग्रुप वैल्यू जो होती है वो होती है 253 नैनोमीटर। कितनी होती है? 253। अब देखिए, अब इसमें एक डबल बॉन्ड और है, क्या ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी कि ये तीसरा डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन में। तो तीसरा डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन में है तो ये शामिल हो जाएगा डबल बॉन्ड कंजुगेशन एक्सटेंडिंग, यानी कि ये क्या हो गया कंजुगेशन एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड। तो कंजुगेशन एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड के लिए हम जोड़ते हैं प्लस 30। तो एक है डबल बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं पहले बताएं, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो।